एक्सरसाइज 7.4 इज बेस्ड ऑन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड कंपेयरिंग फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी यू हैव टू डू इट इन द बुक ओनली एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम सी पार्ट. शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन. पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन. यू कैन सी 0 से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. देन 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ एंड यू हैव टू शो 2/6, 2/6, 4/6, 6/6, यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव सर्कल हाईलाइट करने के लिए जो फ्रैक्शंस दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सर्कल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पुट अप्रोप्रिएट साइंस. So what you have to do, you know the rule that like fraction, unlike fraction, the fractions having same denominator, jo fractions ke same denominator hote hain, that fractions are called like fractions. So all fractions are like. Aap usme dekh sakte ho ki all are having the denominator 6. Sare fraction kaise hain? Like fraction hai. So in like fraction we have to compare the numerator. Jiska numerator bada hai, wohi number, wo fraction bhi bada hoga because all are having same denominator. सो ये चीज़ याद रखना, लाइक फ्रैक्शन है तो वी हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर. अब 5/6, 2/6, वी नो 5 इज ग्रेटर देन 2, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6. सेम वे 3/6, 0 से तो बड़ा ही होगा बिकॉज व्हेन यू सिंप्लीफाई 3/6 यू विल गेट 1/2. सेम वे 1/6 एंड 6/6 बोथ आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर सो वी विल कंपेयर. सो 1 इज स्मॉलर देन 6 बिकॉज जब आप 6/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1. तो 6 इज ग्रेटर देन 1 सो 6/6 इज ग्रेटर देन 1/6. देन 8/6 एंड 5/6 वी नो 8 इज ग्रेटर देन 5 सो 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6. इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन. सो सम ट्रिक्स इफ यू रिमेंबर इट विल वेरी इजी फॉर यू टू पुट द साइन. Now you can see first part A part 3/6 and 5/6. Both are like fraction. Dono like fraction hai, same denominator hai. So what we will do? We will compare the numerator. We know ki 3 is smaller than 5. So 3/6 is smaller than 5/6. Now come to the B part. 1/7 and 1/4. Here case is different. Numerators are same but denominators are different. इसमें क्या होगा, 1 का आपने 7th पार्ट किया एंड सेकेंड वाले में 1 का आपने 4th पार्ट किया. सो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा छोटा होगा. लाइक 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. तो सेम वे इसमें डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा छोटा होगा. दिमाग में आप एक एग्जाम्पल रखो, सपोज 1 रोटी है उसका आपको 1/4, अगर रोटी के 7 पार्ट करेंगे तो 1/7 ज़्यादा मिलेगा आपको कि 1/4 ज़्यादा मिलेगा. So 1/4 is bigger than 1/7. Then C part, again like fractions are given because both are having the same denominator. दोनों के denominator देखो same है, 4/5, 5/5. So we know 4 is smaller than 5. So 4/5 is smaller than 5/5. In the second, the D part again, the condition is same. Numerators are same but denominator is different. तो वही जिसका जितना बड़ा denominator होगा फ्रैक्शन वो उतना ही छोटा होगा. तो 3/5, सो 5 इज ग्रेटर देन, सॉरी 5 इज स्मॉलर देन 7. और हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना छोटा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है तो. सो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7.